Wizard Harry. हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी मैजिकल स्कूल। आज की इस वीडियो में हम हैरी पॉटर का जो अपकमिंग टीवी शो आने वाला है HBO Max पर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो सभी डिटेल्स अभी तक आई है और आप लोगों को जाननी चाहिए, जैसे रिलीज डेट, कास्ट और कौन कौन इसमें काम करने वाला है और क्या JK रॉलिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी या नहीं, साथ ही क्या हमें इसमें ओरिजिनल कास्ट देखने को मिलेंगे या नहीं। अब जिन्हें नहीं मालूम कि हैरी पॉटर का ऑफिशियल टीवी शो अनाउंस हो चुका है, तो क्या कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हो जिसमें मैंने इस टीवी शो के बारे में बताया है। तो अपने हेडफोन्स तैयार रखो, क्योंकि ये मैजिकल जर्नी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में इस गुड न्यूज के नाम पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले मैं अपनी एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोली थी कि मुझे क्यों लगता है कि एक अच्छा आइडिया नहीं है हैरी पॉटर को रिबूट करने का। तो मुझे लगता है जो मैं बोलना चाहता था वो मैं आप लोगों तक ठीक से डिलीवर नहीं कर पाया, इसीलिए काफी कंफ्यूजन हो गई थी। मेरे कहने का मतलब था कि मैं खुश हूँ कि हमें इस सीरीज में हैरी पॉटर बुक्स की सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी और सीरीज पूरी तरह से बुक्स पर बेस्ड होगी। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड इसीलिए हूँ क्योंकि इसमें हमें ओरिजिनल कास्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे भी मालूम है अब उनकी एज काफी बड़ी हो गई है इस रोल को निभाने के लिए, तो आप भी जानते हो कि ओरिजिनल कास्ट तो ओरिजिनल ही थे। और मुझे इसीलिए भी थोड़ी फिकर थी क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि एमा वॉटसन इस सीरीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने वाली है। कुछ दिनों से ऐसी ही कुछ न्यूज निकल कर आ रही है, साथ में बहुत सारे फैंस भी इस डिसीजन से खुश नहीं हैं कि हैरी पॉटर को रिबूट किया जा रहा है। तो इसका नेगेटिव असर फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की तरह इस सीरीज पर भी ना आए, क्योंकि मैं फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की तरह इस हैरी पॉटर सीरीज का डाउनफॉल देखना नहीं चाहता। और मेरे कहने का मतलब ये था जो मैंने आपको अभी बताया, ना कि ये कि मैं सीरीज देखना ही नहीं चाहता और मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा प्रोटेस्ट करने के लिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरी ओपिनियन से फर्क ही क्या पड़ता है, वर्नर ब्रोस तो वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पॉटर हेड और हैरी पॉटर कंटेंट क्रिएटर होने के नाते ये मेरा राइट है अपनी ओपिनियन देने का। और आपको क्या लगता है, इस सीरीज में भी हैरी पॉटर बुक्स की सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी? तो मैं आपको बता दूं, देख लेना, इस सीरीज में भी बहुत सारी बुक्स की डिटेल छूट जाएंगी। कुछ बुक्स तो ठीक से कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ बुक्स की डिटेल्स पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ बुक्स तो 900 पेजेस से भी ज्यादा की है। खैर, अब हर किसी की ओपिनियन होती है। कुछ लोग इस डिसीजन से बहुत खुश हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रल साइड में हूं। मैं खुश तो हूं कि हमें हैरी पॉटर बुक्स की हर डिटेल देखने को मिलेगी, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड भी हूं कि इसमें हमें ओरिजिनल कास्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब चलते हैं अपनी मेन वीडियो पर। सबसे पहले, इस सीरीज के 7 सीजन होंगे और हर एक सीजन हैरी पॉटर की नोवेल पर बेस्ड होगा। और वर्नर ब्रोस ने ये खुद कंफर्म किया है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि सीरीज में ज्यादा से ज्यादा बुक्स की डिटेल्स को कवर किया जाए। इसीलिए हर सीजन के 10 एपिसोड होंगे, जहां इन एपिसोड्स को बढ़ाकर 15 भी किया जा सकता है। और ये सीरीज 10 साल तक चलेगी, मतलब ये 7 सीजन पूरे 10 साल में आएंगे। साथ ही ये न्यूज भी निकल कर आई है कि इस सीरीज का फर्स्ट सीजन HBO Max पर 2015 तक आएगा। और HBO Max को भी रीब्रांडेड किया जा रहा है, जहां अब से इसका नाम बस Max होगा। और HBO Max की रीब्रांडिंग अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करें कास्ट की, तो इसमें आपको ज्यादातर नए एक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी किसी को भी किसी रोल के लिए कास्ट नहीं किया गया है, और हो सकता है ओरिजिनल सीरीज से भी आपको बहुत सारे कास्ट वापस आते हुए नजर आए, जैसे टॉम फेल्टन, जिन्होंने ड्रैको मैल्फॉय का रोल निभाया था, वो अपने डैड लूसियस मैल्फॉय का रोल निभाए, और इवाना लिंच और रूपर्ट ग्रिंट, और रूपर्ट ग्रिंट हो सकता है आर्थर वीजली का रोल निभाए, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वापस आ सकते हैं। हालांकि इसमें आपको डेनियल रेडक्लिफ और एमा वॉटसन देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जब वर्नर ब्रोस से ये पूछा गया कि क्या इसमें हमें हैरी पॉटर सीरीज के कुछ ओल्ड कास्ट भी देखने को मिलेंगे या नहीं, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि वर्नर ब्रोस की पुराने कास्ट से भी बात हो रही हो हैरी पॉटर सीरीज में वापस आने के लिए। हालांकि अब उनकी एज उनके पुराने रोल को निभाने के लिए काफी बड़ी हो गई होगी, लेकिन उनको कोई दूसरा रोल जरूर मिल सकता है। और क्या इस सीरीज में JK रॉलिंग भी इन्वॉल्व होगी या नहीं, तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। JK रॉलिंग पूरी तरह से इस सीरीज में इन्वॉल्व होंगी। और इसी के साथ गाइज, मैं आपको बता दूं
ये विजर्डिंग वर्ल्ड की लास्ट सीरीज नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले महीने वाली एक वीडियो में बताया था कि वार्नर ब्रोस का प्लान है कि हैरी पॉटर सीरीज के विजर्डिंग वर्ल्ड को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कन्वर्ट करने का, जहां उन्होंने कहा था हैरी पॉटर सीरीज के विजर्डिंग वर्ल्ड का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में वेडनेसडे को वार्नर ब्रोस के CFO ने विजर्डिंग वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में एक बहुत बड़ी कमेंट करी और इसे वैरायटी वालों ने ही कवर किया है। तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। विजर्डिंग वर्ल्ड वार्नर ब्रोस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी है और हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम की सक्सेस के बाद वार्नर ब्रोस ने इसे एक्सपेंड करने का बहुत बड़ा प्लान बना लिया है। अब यहाँ से मैं उनकी कमेंट को ही आपको हिंदी में कन्वर्ट करके सुना रहा हूँ। आप हैरी पॉटर सीरीज के विजार्डिंग वर्ल्ड का ही एग्जांपल ले लो। हम इस फ्रेंचाइजी की सक्सेस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम, जो कि डेडली हैलोज मूवी खत्म होने के 12 साल बाद रिलीज हुई, वो भी सुपर हिट रही है, जो कि दिखाता है कि अभी भी इस यूनिवर्स की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसीलिए हम इस यूनिवर्स को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसी ही कमेंट इससे पहले वार्नर ब्रोस के CEO भी कर चुके हैं और अब CFO ने भी हमें ये कंफर्म कर दिया है कि विजार्डिंग वर्ल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जहां इसमें मल्टीपल मूवी सीरीज और वेब सीरीज आने वाली है। तो अगर हम इनकी कमेंट को ब्रेक डाउन करें तो हमें समझ आएगा कि अब विजार्डिंग वर्ल्ड की बहुत सी मूवी सीरीज और वेब सीरीज आने वाली है, और अगर हम वार्नर ब्रोस के CFO की बात को सही माने, जो कि सही ही है, तो अब विजार्डिंग वर्ल्ड एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कन्वर्ट होने वाला है। और आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं और किस टाइप की मूवी सीरीज या वेब सीरीज को देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी सीरीज और मूवीज की अनाउंसमेंट आपको फ्यूचर में सुनने को जरूर मिलेगी। तो तैयार हो जाओ इस मगल्स वर्ल्ड को छोड़कर दोबारा से विजर्डिंग वर्ल्ड में जीने के लिए। लेकिन विजर्डिंग वर्ल्ड में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप है चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आप लोग विजर्डिंग वर्ल्ड से पूरी तरह से अपडेटेड रह पाओगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब अगर आप जानना चाहते हैं इसी न्यूज के बारे में, जिसमें वार्नर ब्रोस ने अनाउंस किया था कि जल्द ही विजर्डिंग वर्ल्ड एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो राइट वाली वीडियो देखें। और अगर आप हैरी पॉटर सीरीज के क्वेश्चन एंड आंसर वाली सीरीज को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें।